प्रिय लोगों, आपको यीशु का पुनरुत्थान का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्रियो, ये आज के दिन जो है हम विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित होने पाया और वह जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन सिर्फ हम विश्वासियों के लिए नहीं पर पूरी मानव जाति के लिए बहुत विशेष दिन है, और आज के दिन एक बहुत बड़ा उत्सव जो है वो होना चाहिए। और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हम इस चीज को देखेंगे। पौलुस प्रेरित यहां पे समझाते हैं कि हम विश्वास करने वालों के लिए ये विशेष दिन क्यों है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 17 पद से हम 19वें पद तक के देखेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्सेस 17 टू 19 हम देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है। यदि मसीह नहीं जी उठा, पौलुस प्रेरित समझा रहे कि मसीह जी उठा, और अगर मसीह जी नहीं उठा होता तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के लिए क्यों बहुत ही आवश्यक दिन है। Why is it the most important day? कि आज के दिन हम लोगों के लिए इतना आवश्यक दिन क्यों है? हम फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यदि मसीह नहीं जी उठता, यदि प्रभु कब्र में ही रहते, यदि आज का दिन नहीं होता, यदि रिजरेक्शन नहीं होता, तो क्या होता? तो हमारा विश्वास करना यीशु मसीह पे व्यर्थ होता। अगर यीशु कब्र से बाहर नहीं आता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता, और हम अब तक अपने पापों में फंसे रहते। वरन जो मसीह में सो गए हैं जी, वे भी नष्ट होते। यदि हम सिर्फ इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजरेक्शन। ये एक विश्वासी के लिए पुनरुत्थान की इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्णता है, कि ये रिजरेक्शन जो है वो हमारे लिए क्यों उतना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने क्रूस के पर बलिदान को दिया और उसने उस दाम को चुका दिया वहां पे, पर दाम उसने वहां पे चुका दिया, लेकिन मौत का राज जो था वो बना हुआ था, मृत्यु का अधिकार जो था वो बना हुआ था। यीशु को कब्र से बाहर आना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था ताकि जो मृत्यु का जो राज बना हुआ है उसको तोड़ना जरूरी था। अगर यीशु मृतकों में से जीवित नहीं होते तो मौत का राज वहां पे बना रहता, और यीशु भी कब्र के अंदर रहते हैं और हम भी कब्र के अंदर रहते हैं, फिर हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ होता और हमारे सारे काम जो थे वो व्यर्थ होते, क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन हमको कब्र ही में रहना होता, हम वहां से बाहर नहीं आ पाते, मौत का राज रह जाता और पाप का राज रह जाता। उस बड़े दाम को चुका देने के बावजूद भी, पर धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि वो मृतकों में से जीवित परमेश्वर है, और अब हमको कब्र में रहने की आवश्यकता नहीं है। अब यीशु के साथ में उस पुनरुत्थान में शरीक होकर के हम स्वर्ग के राज में दाखिल हो सकते हैं और उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें, बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि मृत्यु जो थी वो परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान में नहीं थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो उसने इसको इसलिए नहीं बनाया था कि एक दिन वो मर जाएगा। हमारी कल्पना, हमारी सोच, हमारी समझ जो है वो परमेश्वर की समझ से और परमेश्वर की बातों से बहुत डिफरेंट होती है। हमें तो ये लगता है कि जो पैदा हुआ है वो एक दिन मर जाएगा, हम तो ये सोचते हैं जो पैदा हुआ वो एक दिन मर जाएगा, पर मृत्यु परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान में नहीं थी। कैसे? जब परमेश्वर ने आदम को उस अदन की वाटिका में रखा तो उसने, परमेश्वर ने आदम से कहा कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे, यानी कि उससे पहले नहीं मरोगे। जब तक कि नहीं खाओगे तब तक कि मृत्यु तुम्हारे पर नहीं आएगी, और अगर तुम नहीं खाओगे तो मृत्यु तुम्हारे पर नहीं आएगी। जिस दिन तक के तुम इस फल को नहीं खाओगे तब तक की मृत्यु तुम्हारे पर नहीं आएगी, पर जिस दिन तुमने इस फल को खा लिया निश्चय तुम मर जाओगे। तो मृत्यु तब आई जब फल खाया गया,
जब फल खाया गया। और मेरे प्रिय आप याद रखें यीशु के शब्दों को, यीशु ने कहा कि वो संसार में इसलिए आया ताकि वो हमको अनंत जीवन देने पाए, ताकि हमको अनंत जीवन देने पाए। वचन में क्या लिखा हुआ है? पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने के लिए आए। मृत्यु परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान में नहीं थी और भविष्य में भी नहीं होगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं, अगर आप परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं मेरे प्रियो, तो क्या आपकी कल्पना है? क्या आपको लगता है कि स्वर्ग में भी कब्रिस्तान है, स्वर्ग में भी ग्रेवयार्ड है जहां पे आप जाके मर जाएंगे और वहां पे आपको दफनाया जाएगा? ना ना, स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां पे कोई मृत्यु नहीं है। हम अनंत में प्रवेश करेंगे और हमेशा जीवित रहने जा रहे हैं। Amen. So, पुनरुत्थान इसलिए जरूरी था ताकि पाप का अधिकार खत्म होने पाए, मृत्यु का राज हमारे जीवन के ऊपर से खत्म होने पाए। और इसीलिए आज के दिन जो है वो क्रिसमस के दिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के दिन जो है वो गुड फ्राइडे से ज्यादा आवश्यक है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित होने पाए, पाप का अधिकार खत्म होने पाया, मृत्यु का अधिकार खत्म होने पाया और अब हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। सो यस, ये है हम विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान का महत्व। ना जबकि मैंने बुनियादी बातें आपसे कर ली हैं, अपने मेन मैसेज की ओर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम देखेंगे लूका उसका 24वां अध्याय और उसके पहले पद से हम कुछ पदों को देखेंगे। ल्यूक चैप्टर 24 उसके पहले पद से हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परंतु सप्ताह के पहले दिन जी, बड़े भोर को जी, वे उन सुगंधित वस्तुओं को जी, जो उन्होंने तैयार की थी जी, लेकर कब्र पर आई जी, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया पर भीतर जाकर जी, प्रभु यीशु का शव न पाया जी। जब वे इस बात से भौचक्का हो रही थी तो देखो जी, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज है, ये क्या कर रही है? ये मसाला वाले को लेकर के यीशु की कब्र के ऊपर आ रही है। ऐसे लिखा ना, क्या लिखा यहाँ पे? सुगंधित वस्तुओं को, सुगंधित वस्तुओं को मसाले को लेकर के यीशु की कब्र के ऊपर आ रही थी। यीशु के लेप लगाने के लिए क्यों आ रही है? Why? क्यों आ रही? ताकि यीशु के बदन को वो लेप लगाने पाए। और जब वहां पहुंचती है, कब्र को खाली देखती है और वो हैरान है, वो हक्का बक्का है कि ये क्या हो गया, यीशु मसीह कहां चले गए यहां से? और वहां पे सुरदूत है और वो क्या कहते हैं, वो सुरदूत क्या कहते हैं उस महिलाओं से? दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए जी, उनके पास आ खड़े हुए जी, जब वे डर गईं, जब वो डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं जी, तो उन्होंने उनसे कहा, सुरदूत ने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही? ना ये मसाला लेकर के वहां पे आ रही यीशु मसीह के ऊपर लेप लगाने के लिए, जब कब्र को खाली पा रही है तो ये हक्का बक्का, ये परेशानी, ये क्या हो गया? दे कंप्लीटली शॉक्ड, वो बिल्कुल परेशान है कि ये क्या हो गया। और वो दौड़ती और भागती हुई पहुंचती है चेलों के पास से पहुंचती, और जब चेलों को बताती है तो चेले भी हक्का बक्का है और वो कह रहे हैं, आर यू क्रेजी, कैसी बातें तुम कर रही हो, यीशु मसीह कहां चले गए? और वो दौड़ते भागते हुए, पतरस दौड़ते हुए आ रहा है, यूहन्ना जो है वो भी भागता हुआ आ रहा है। पतरस, तुम कहां दौड़ते हुए जा रहे हो? यूहन्ना, तुम कहां दौड़ते हुए जा रहे हो? और दौड़ते हुए ये लोग कब्र में आते और कब्र को जब खाली पाते, शॉक्ड, हैरान है। क्या लिखा हुआ पतरस के बारे में? पतरस भागता हुआ है वहां पे। परंतु उन्होंने ये बातें, उन्हें कहानी से जान पड़ी, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। हाँ, जब ये महिलाएं जाकर के उनको बता रही चेलों को, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। उन्होंने, चेलों ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, उनकी प्रतीति नहीं की जी। तब पतरस उठकर, प्रतीति नहीं की, और क्या लिखा हुआ? तब पतरस उठकर, सबसे पहले प्रतीति नहीं की, उनकी बातें उन्हें कहानी से, उनकी बातें उनको कहानी सी, उनकी बातों की परवाह नहीं किया, कहानी, दे आर टेलिंग स्टोरीज, वो कुछ कहानियां बना रही करके जी। फिर और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की, उनकी बातें प्रतीति नहीं की। तब पतरस उठकर जी कब्र पर दौड़ गया, कब्र पर दौड़ गया और झुक कर केवल जी कपड़े पड़े देखे। क्यों भाग गया? क्यों दौड़ रहा है? क्यों प्रतीति नहीं कर रहा है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है जी? और जो हुआ था जी, उसे अचंभा करते हुआ, अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया, अपने घर चला गया। पीटर इज सरप्राइज, ही इज शॉक्ड,
हैरान है ये क्या हो गया, चेले हैरान है ये क्या हो गया, क्यों हैरान है? Why are they surprised? Why are they shocked? क्यों हैरान है? क्या प्रभु ने उनको नहीं बताया था? क्या प्रभु ने उनको नहीं बताया था कितनी बार प्रभु ने अपने मृत्यु के संबंध में उन लोगों से बातचीत की, कितनी बार यीशु ने अपने पुनरुत्थान के संबंध में उन लोगों से बातचीत की, जनों से बातचीत की, और बार बार उस बात को बता रहा था, देखो वो दिन आ रहा है मैं यरूशलेम जा रहा हूं और मैं पकड़वाया जाऊंगा, दो दिन के बाद में फसह का पर्व है और वो मुझे पकड़ लेंगे और मुझे क्रूस के ऊपर लटका देंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी और तीसरे दिन के बाद में मैं मृतकों में से जीवित होने पाऊंगा। सो मेनी टाइम्स जीसस हैव बीन टेलिंग देम, बार बार यीशु मसीह को बताता रहा कि यस ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है, पर इनको मालूम ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है, ये अपनी दुनिया में, ये अपनी बातों में, इन्होंने यीशु की बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उनको पता ही नहीं है कि यहां पे क्या हो रहा है। परमेश्वर के वचन में मेरा प्रिय जन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम सिमियोन है और वो मिलता है हमको लूका उसके दूसरे अध्याय में, लूका उसके दूसरे अध्याय उसके 25 पद से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यरूशलेम में शमौन नामक जी एक मनुष्य था, मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी जी और भक्त था, और भक्त और इसराइल की शांति की बाट जी जो रहा था जी और पवित्र आत्मा उस पर था, पवित्र आत्मा उसके पर था और पवित्र आत्मा द्वारा जी उस पर ये प्रकट हुआ, उसके पर ये प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, जब तक वो प्रभु के मसीह को देख नहीं लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा, ना देखेगा। ये जन परमेश्वर की नजदीकी में रहता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाता है और परमेश्वर की आत्मा ने उसको बातें बता दी थी कि जब तक के तुम परमेश्वर के मसीह को नहीं देख लोगे तब तक के तुम मृत्यु को नहीं देखने पाओगे। एंड ही न्यू इट, उसको मालूम था। और आगे क्या लिखा हुआ है? वो आत्मा के सिखाने से, वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता जी उस बालक यीशु को भीतर लाए जी कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें जी, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया जी और परमेश्वर का धन्यवाद करके धन्यवाद करने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहके कहने लगा, हे स्वामी स्वामी अब तू अपने दास को, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार जी शांति से विदा करता हूं। मैन यहाँ पे एक जन है मेरे प्रियो जो समझ रहा है कि इस समय में क्या हो रहा है, जो समझ रहा है कि इन दिनों में क्या हो रहा है, जो परमेश्वर के हृदय को जानता है, जो कि समझ रहा है परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं। नाउ ये हैरान और परेशान नहीं है, ही इज नॉट डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हैरान और परेशान नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभु सब अंधकार है, सब अंधकार है, कहीं ज्योति नहीं है। No, he's not dazed and confused. वो confused नहीं है, वो हैरान नहीं है, वो परेशान नहीं है। अभी यीशु मसीह का जन्म हुआ है और अभी पहली बार, अभी अभी थोड़े दिन के यीशु मसीह है और पहली बार यीशु मसीह को मंदिर में लेकर के आया जा रहा है। यानी जिनको मालूम है, इस जिनको परमेश्वर की आत्मा ने बता दिया, कि यस देखो परमेश्वर का मसीह आ रहा है और तुम वहां पे जाओ और ये जाता है उस बच्चे को अपने गोद में लेता है, उसको ब्लेस करता है और ढेर सारी भविष्यवाणी वो वहां पे करता है और मरियम से भी कुछ विशेष बातें कर रहा है। आप घर पे जाके उसको फुर्सत से पढ़ सकते हैं। He is an amazing person। ये हैरान करने वाला जन है मेरे प्रियो, और ये मेरे प्रियो ये वो जन नहीं है जो चारों तरफ अंधकार अंधकार देख रहा है, पर ये वो जन है जो कि समझ रहा है कि इन समय में, इन दिनों में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इस समय में, इन दिनों में परमेश्वर क्या कर रहे हैं। ये ढेर सारे चेले, ये 12 चेले और उसके साथ में और ढेर सारे लोग जो सुबह शाम प्रभु के साथ में रहते थे, ढेर सारी शिक्षाओं को ले रहे थे, जबकि प्रभु ढेर सारी शिक्षाओं को दे रहे थे, ये वहां पे मौजूद थे, ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को ये अपने जीवन में देख रहे थे, अपने सामने होते हुए देख रहे थे, उन तमाम चीजों के बावजूद ये मिस कर गए, ये मिस कर गए। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए तो ये हैरान है, प्रभु ये क्या हो रहा है। आज जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो रहा है, तो भी हैरान है, तो भी परेशान है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। जब वो लेडीज आकर के उनको बता रही है कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ, हमको कब्र खाली मिली है, तो उनको क्या लग रहा है, कहानी, ये कहानी बता रही है, उनको लग रहा है कि ये महिलाएं जो है ये कहानी बता रही है, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इन समय में क्या होने जा रहा है, इन टाइम्स में परमेश्वर क्या करे मालूम नहीं, इन दिनों में परमेश्वर क्या करे मालूम नहीं है। परमेश्वर बार बार इन चीजों को बता रहे हैं पर मालूम नहीं है। यू नो कई बार ऐसी होता है, कई बार हम हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुख में रहते हैं, आंसुओं में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। क्यों?
इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम सुन नहीं रहते कि परमेश्वर क्या कर रहे होते, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि इन समों में परमेश्वर क्या करे, इन टाइम्स में, इन सीजंस में परमेश्वर क्या करे, इन मौसम में, इन दिनों में परमेश्वर क्या करे, हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं, हमें नहीं मालूम होता है, और इसलिए हम दुख में होते, इसलिए हम परेशान होते, इसलिए हम टेंशन में रहते, इसलिए हम निराशा में रहते हैं. Such an important day, such an important moment. कितना महत्वपूर्ण ये दिन है, कितना महत्वपूर्ण ये टाइम है मेरे प्रियो. ये हमारी मानव जाति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था. ये मानव जाति का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था जब यीशु मसीह ने पाप के बंधनों को तोड़ दिया, जब यीशु मसीह ने मौत के बंधनों को तोड़ करके वो कब्र से बाहर निकल कर के आ रहे थे. एक नई विधि, एक नई चीजें यहां से चालू होने जा रही थी. एंड लुक एट दीज डिसिपल्स, look at these disciples, they are dazed and confused. वो हैरान है और वो परेशान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. इतनी शिक्षा देने के बाद, इतने आश्चर्यक्रम दिखाने के बाद आसमान से आवाज आ रही है. हाँ, पत्रस, याकूब, यूहन्ना तो उस जगह पे पहुंचे थे जब यीशु का रूपांतर हुआ था और आसमान से आवाज आई थी, ये मेरा पुत्र है इसकी सुनो. इन तमाम चीजों के बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद आज ये अपनी दुनिया में है, अपनी बातों में. इनको मालूम नहीं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं ये समय को और ये मौसम को समझ नहीं पा रहे, ये टाइम्स और सीजंस को समझ नहीं पा रहे हैं और हैरान और परेशान घूम रहे हैं. आज का दिन तो बड़े उत्सव का दिन होना चाहिए था. चेलों को और बाकियों को जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्यक्रम देखे थे, इनको तो कब्र के सामने वेट करना चाहिए था. नहीं, यीशु ने कहा था कि तीसरे दिन बाहर आएगा, उसने कहा था, और जो उसने कहा था मुझे मालूम है कि वो पूरा करने वाला परमेश्वर. एंड दे शुड हैव बीन वेटिंग आउटसाइड द ग्रेव, वो कब्र के बाहर में एक बड़ी भीड़ के साथ में, एक बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी के साथ में उनको वहां पे होना चाहिए था कि यस, यीशु मसीह बाहर आएंगे और हम उनसे मुलाकात करेंगे. बट हियर दे आर डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड, हैरान है, परेशान है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. यू नो मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के कार्यों को जानते हैं, उसके दिल को नहीं जानते. कई बार हम परमेश्वर को नहीं समझते, कई बार सिर्फ उसकी बातें सुनते हैं, हम उसको नहीं समझते. कई बार होठों से आराधना तो कर रहे होते हैं पर हमारे दिल उससे दूर होते हैं. वो क्या कर रहा है, कौन सा समय चल रहा है, कौन सी बातें हैं, नहीं मालूम. हैरान और परेशान घूम रहे हैं, हैरान और परेशान है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. बड़ी अजीब से दिन चल रहे मेरे प्रियो, बड़ी अजीब से टाइम्स है आजकल. हैरान है लोग, परेशान है, क्यों, क्योंकि नहीं मालूम परमेश्वर क्या कर रहे हैं, नहीं जानते इन दिनों में परमेश्वर क्या कर रहे हैं. बड़े अजीब से दिन चल रहे हैं, लोगों से बातचीत कीजिए, एक के बाद बैक टू बैक मूवीज देखेंगे, घंटों टीवी के सामने बैठे हैं, घंटों न्यूज के सामने बैठे हुए हैं, यूट्यूब चल रहा है, इंटरनेट का खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है, इतना इंटरनेट यूज हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है. पर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आधे घंटे का मैसेज बहुत लग रहा है. नहीं नहीं भाई, बहुत लंबा होता है. आधे घंटे का मैसेज बहुत बड़ा लग रहा है, वो नहीं सुन पा रहे. नहीं नहीं भैया, बहुत लंबा हो जाता है, वो आधे घंटे नहीं देखा जाता. तीन तीन घंटे के वीडियोस देख लिए जाते हैं, तीन तीन घंटे की मूवीज देखी जा रही है, बैक टू बैक मूवी चल रही है, एक के बाद एक लगातार मूवी चल रही है. परमेश्वर के पास में समय नहीं बिता पा रहे हैं. अजीब से दिन है, सर सब लोग जाना मांगते हैं, परमेश्वर के साथ में कोई समय नहीं बिताना मांगता. यू नो, ये चेले जो है यहाँ पे हैरान है, परेशान है, ये नहीं याद कर पाए, ये नहीं याद रख पाए कि कौन सी बातें परमेश्वर कर रहे हैं यहाँ पे, क्या काम परमेश्वर कर रहे हैं, ये मिस कर गए उन सारी बातों को, ये परमेश्वर की बातों को भूल गए जो प्रभु ने इसके बताई थी, और ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट को ये मिस कर गए. मेरे प्रियो, क्या आपको याद है, आर यू अवेयर ऑफ इट, क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर इन समय में, इन टाइम्स में क्या कर रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं. क्या आप इन चीजों की तरीके से नहीं है, कंप्लीटली लॉस्ट, मालूम नहीं प्रभु आप क्या कर रहे हैं. एक भाई का फोन आया मेरे पास में अभी पिछले दिनों, और उनसे पूछ लगे, भैया आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है. मुझसे पूछने लगे, भैया आपको क्या लगता है, जो कोई भी संसार में चल रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या होने जा रहा है.
मैंने उनको उत्तर दिया और मैंने उनसे कहा कि यस, बहुत कुछ संसार में चल रहा है, कंप्लीट लॉकडाउन में सब कुछ चल रहे हैं, लोग डरे हुए, लोग परेशान हैं, पर मेरा ध्यान, मेरा फोकस सिर्फ इस बात पे है, उन बातों पे जो परमेश्वर ने मुझको बताई है, वो बातें जो परमेश्वर ने उससे कही है साल के शुरुआत में, जो उसने मुझसे कहा था, मेरा सारा ध्यान उस पॉइंट के ऊपर है। परमेश्वर ने कहा था कि दरवाजा खुलने वाला है, इंतजार खत्म हुआ, दरवाजा खुलने वाला, और मेरा फोकस वहीं पर ही है, मैं वही देख रहा हूं, मैं साल को वैसी देख रहा हूं जैसा परमेश्वर ने कहा था। न्यूज में बहुत कुछ चल रहा है, लोग बहुत ढेर सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस वहीं पे जैसा परमेश्वर ने साल के पहले कहा था, मैं उन बातों को देख रहा हूं, इंतजार खत्म हुआ, दरवाजा खुलने वाला है। यू नो मेरे प्रियो, परमेश्वर संसार को हिला रहे, ही इज शेकिंग द वर्ल्ड, संसार इस समय हिल रहा है, कसके गेहूं और भूसे को अलग किया जा रहा है, गेहूं को और भूसे को अलग किया जा रहा है। और मेरे प्रियो, अगर आपने मिस कर दिया हो, अगर आप चूक गए हो, तो आप ध्यान दें, ये गेहूं के काटे जाने का समय है। This is wheat harvesting time. ये फसल का समय, इस समय खेत में गेहूं तैयार खड़ा हुआ है और फसल काटी जा रही है। संसार में भी ऐसे ही हो रहा है, गेहूं को अलग किया जा रहा है और भूसे को अलग किया जा रहा है। परमेश्वर संसार को हिला रहे। तीन बातें इस साल के शुरू में प्रभु ने हम लोग से कही थी, उसको प्रभु ने बताई और मैंने आपको 1st of January को इन बातों को बताया था। पहली चीज, द वेट इज ओवर, द डोर इज ओपन, इंतजार खत्म हुआ और दरवाजा खुलने वाला है। और एक और बात जो प्रभु ने कही थी, और वो ये कि ये साल उन लोगों का साल होगा जिनको खटखटाना आता है। मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये साल उन लोगों का साल है। साल के पहले दिन प्रभु ने इस बात को कहलवा दिया था मेरे प्रियो, साल के पहले दिन ऑन द 1st of January परमेश्वर इस बात को कहलवा दिया था कि ये साल उन लोगों का साल होगा जिसको जिनको खटखटाना आता है। और मेरे प्रिया, मुड़ के देखिए, लुक अराउंड द वर्ल्ड, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब कुछ लॉकडाउन में है और इस समय लोग सिर्फ एक काम को कर रहे हैं, और वो ये कि डरे हुए, घबराए हुए वो खटखटा रहे हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए, प्रभु हम पे दया कीजिए। लुक अराउंड जी, आप देखे अपने चारों क्या हो रहा है, लोग डरे हुए, लोग घबराए हुए, और लोग परमेश्वर के सम्मुख निकल करके आ रहे हैं, जिन्होंने सालों में वचन नहीं पढ़ा, वो बाइबल को झाड़ झूड़ करके लेकर के आ रहे। प्रभु क्षमा कर दीजिए, जो गलतियां क्षमा कर दीजिए। साल के शुरू में उसने कहा था साल उन लोग का साल होगा जो खटखटाना जानते हैं, जो खटखटाना जानते हैं। लोग डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं, लोग डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। यू नो, डर और घबराना, ये शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किन लोग के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है? क्या परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था तो क्या वो डर रहा था? क्या वो घबरा रहा था? जब डैनियल शीरक की मांग में जा रहा था, क्या वो डरा हुआ घबराया हुआ था? जब सदक मेशक अबेदनगो उस आग की भट्टी में फेंके जा रहे थे, क्या वो डरे हुए थे? क्या घबराए हुए थे? क्या ये वो टर्म है जो कि हम परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या ये वो शब्द है जो परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करते? लोग डरे हुए, लोग घबराए हुए। डर और घबराहट तो मालूम है हम किन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं? संसार के लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए। मेरा प्रियो, वो टाइम है कि आप अपने आप को मेजर करें, देखें, तौल के देखें, आप किधर आ रहे हैं, आप किधर आ रहे हैं। ये साल उन लोगों का साल है जिनको खटखटाना आता है। और तीसरी बात जो प्रभु ने कही थी, और वो ये कही थी कि जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास में नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास में है। मेरे प्रियो, आपसे बताना चाहता हूं कि पोस्ट कोरोना एक दुनिया, एक डिफरेंट संसार होगा। कोरोना के बाद में एक फर्क दुनिया में हम प्रवेश करेंगे, संसार में हम पहले थे उसमें, और अब आने वाले संसार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हम एक बहुत बड़े परिवर्तन को देखने जा रहे हैं। कोरोना वायरस जो है, ये बड़े परिवर्तन को लेकर के आएगा। इसके पास में है
उसको दिया जाएगा और जिसके पास में नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास में है। आप अपना समय कहां लगा रहे हैं? आप अपना समय कहां पे लगा रहे हैं? इस समय जबकि सब कुछ बंद है, जबकि सब कुछ क्लोज है, आप अपना समय कहां पे लगा रहे हैं? जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा। जब आप कोरोना से बाहर निकलेंगे, जब इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे मेरे प्रियो, हम एक डिफरेंट संसार में आएंगे, हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे। और जिसके पास में, जिसने अपने समय को सही से इस्तेमाल किया होगा मेरे प्रियो, वही कल के दिन में आनंदित और मगन होने जा रहा है। मेरे प्रियो, आपका कल जो है वो आपके आज आपके हाथ में है। आपका आने वाला कल जो है वो आज आपके हाथ में है। अगर आप अपने समय को सही जगह पर लगा रहे हैं, जिसके पास में है उसको दिया जाएगा और जिसके पास में नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पे चेले हैं जो कि हैरान हैं और परेशान हैं। चेले हैं जो हैरान हैं और परेशान हैं। आज भी बहुत ढेर सारे चेले जो हैरान हैं और परेशान हैं, हक्का बक्का, प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया उन बातों के ऊपर जो प्रभु ने उनसे कही, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया उन बातों के ऊपर जो प्रभु ने कही। प्रभु बहुत स्पष्टता से बात करते हैं, प्रभु बहुत क्लैरिटी से बात करते, स्पष्टता से बात करते, और उसने सारी बातें पहले से बता करके रखी है। उसने पहले से बता करके रखा था, दरवाजा खुलने वाला है, द वेट इज ओवर, द डोर इज ओपन, दरवाजा खुलने वाला है, इंतजार खत्म हुआ। उसने पहले से इन चीजों को बता करके हम लोग को रखा कि ये सब उन लोगों का साल होगा जिसको खटखटाना आता है। जिसके पास में है उसको दिया जाएगा, जिसके पास में नहीं है उससे वो ले लिया जाएगा जिसके पास में है। चेले हैरान है। एक इंपॉर्टेंट दिन, इतना महत्वपूर्ण दिन, आज के दिन तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए था। उनको कब्र के सामने खड़ा होना चाहिए था, वेट करना चाहिए था, प्रभु बाहर निकलेंगे और हम एक बड़े उत्सव को मनाएंगे और हम एक बड़े सेलिब्रेशन में हम यहां पे जाएंगे। जब यीशु कब्र से बाहर आता है तो अकेला है। जब यीशु कब्र से बाहर आता है तो अकेला है। क्यों? क्योंकि यहां पे लोग हैं जो यीशु के कार्य को तो जानते हैं पर उसके दिल से बहुत दूर है, उसके दिल से बहुत। यीशु के कामों को तो हम जानते रहे, बड़े बड़े काम करता है, पर परमेश्वर को नहीं जान रहे, परमेश्वर को नहीं समझ रहे, और इसीलिए हैरान है और इसीलिए परेशान है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जिसने मृत्यु को हरा दिया, जिसने कब्रों को हरा दिया, मेरे प्रियो, आपकी सारी बातों से आपको निकाल लेगा और आपकी विजय में आपको लेकर के चलेगा। हर वो बात जो आपके लिए आवश्यक है वो परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की मेरे प्रियो कि आप समय को समझें कि हम किन समय में चल रहे हैं, किन सीजन में हम चल रहे हैं, किस मौसम में हम चल रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कोरोना वायरस से हम बाहर निकल आएंगे एंड इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एक फर्क दुनिया होगी, एक फर्क संसार होगा। जिसके पास में है उसको दिया जाएगा और जिसके पास में नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसके पास में है। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आसमान और जमीन के बनाने वाले हमारे जिंदा बाप आसमानी प्रभु, हमको बड़ी विजय में लेकर के जाने वाले परमेश्वर, हर एक बात जो हमारे लिए जरूरी है उसमें हमको विजय में लेकर जाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ करके एक बहुत बड़ी कीमत को चुकाया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि ना सिर्फ आपने उस बड़ी कीमत को चुकाया पिता परमेश्वर, लेकिन आपने मौत के अधिकार को और मौत के राज को भी हमारे लिए हमेशा खत्म कर दिया प्रभु। और प्रभु, अब हमको भविष्य में कब्र में रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भविष्य है प्रभु, उस कब्र को कब्र नहीं है, लेकिन वो आपके साथ में महिमा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए, आपके पर्पसेस के लिए जो कि आप हमारे जीवन में करते हैं पिता। सहायता करें ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन, ताकि सारा कन्फ्यूजन जाने पाए पिता परमेश्वर, हम फोकस होने पाए, आपके लोग फोकस होने पाए, और वो मौसम को समझने वाले लोग होने पाए, वो टाइम्स एंड सीजन को समझने वाले लोग होने पाए, और वो समझने पाए प्रभु कि आप इन दिनों में, इन समय में आप क्या कर रहे हैं पिता। आप सहायता करें पिता परमेश्वर, अपने लोगों को आप सुरक्षित, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना आपके नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाकरु की रिफाकत, शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन।
God bless you, my dear friends. Prabhu aapko aashish de.